गाइस इस वीडियो में हम 25 क्वेश्चन करने जा रहे हैं। 1000 क्वेश्चन का टारगेट था, एक वीडियो जा चुकी है, नेक्स्ट वीडियो ये रही। डैश प्रोवाइड हार्ड कॉपी आउटपुट ऑन कंप्यूटर, तो इसका हो जाएगा प्रिंटर। प्रिंटर जो है वो पेपर पे प्रिंट प्रोवाइड करता है, ठीक है। व्हाट आर द यूनिट यूज टू काउंट द स्पीड ऑफ ए प्रिंटर, तो ये हो जाएगा पीपीएम, पेज पर मिनट। अगला है स्पीड ऑफ द लाइन प्रिंटर इज लिमिटेड बाय द स्पीड ऑफ पेज मूवमेंट। पेज मूवमेंट के द्वारा जो है हम स्पीड जो है प्रिंटर की, लाइन प्रिंटर की, वो लिमिट कर सकते हैं। एन एग्जाम्पल ऑफ पेरीफेरल इक्विपमेंट इज, तो प्रिंटर जो होता है वो एक पेरीफेरल इक्विपमेंट होता है, ठीक है। नेक्स्ट ड्रम प्रिंटर इज एन एग्जाम्पल ऑफ, तो ये आउटपुट यूनिट होता है। द एग्जाम्पल ऑफ नन इम्पैक्ट प्रिंटर आर, तो ये हो जाता है इंकजेट लेजर। नन इम्पैक्ट प्रिंटर होते क्या है, जो यूज करते हैं किस चीज को, लेजर को, प्रेशर को और आपके स्प्रे को। इन तीन चीजों को यूज करके आपका प्रिंट कराते हैं, मतलब इन तीनों में से कोई एक चीज भी यूज करके प्रिंट कराते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है लाइन प्रिंटर स्पीड इज स्पेसिफाइड इन टर्म ऑफ लाइन पर मिनट। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंटर आर यू श्योर विल नॉट टू यूज इफ योर ऑब्जेक्टिव इज टू प्रिंट ऑन मल्टी कार्बन फोम। अगर जो आपको मल्टी कार्बन फोम पे प्रिंट करना है तो आप लेजर प्रिंटर का यूज नहीं करोगे। रेजोल्यूशन ऑफ लेजर प्रिंटर इज स्पेसिफाइड इन टर्म ऑफ डीपीआई, डॉट पर इंच। नेक्स्ट है इट इज यूज टू प्रोड्यूस लार्ज ड्रॉइंग और इमेज सच एज कंस्ट्रक्शन प्लेन्स, ब्लूप्रिंट और मैकेनिकल ऑब्जेक्ट। तो प्लॉटर का हम यूज करते हैं बड़े बड़े कंस्ट्रक्शन प्लेन्स और ब्लूप्रिंट निकालने के मोटिव से। विच टाइप ऑफ डिवाइस आर कंप्यूटर स्पीकर और हेडफोन, तो ये आउटपुट डिवाइस होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस इज यूज टू गिव इनपुट एज वेल एज टू डिस्प्ले आउटपुट, तो टच स्क्रीन हो गया, हेडसेट हो गया, और ये फैक्स माइल जो होता है ना, ये फैक्स मशीन ही होती है, ठीक है। नेक्स्ट इंटरनल स्टोरेज इज ऑल्सो कॉल्ड मेन मेमोरी। द टू काइंड ऑफ मेन मेमोरी आर रैम एंड रोम। विच मेमोरी इज यूज एज टेम्पोरली मेमोरी, टेम्पोरली मेमोरी कौन सी यूज होती है, वोलेटाइल मेमोरी जो होती है वो टेम्पोरली मेमोरी होती है। वोलेटाइल मेमोरी होती क्या है, अगर जो आपकी इलेक्ट्रिसिटी चली जाए तो वो आपकी मेमोरी भी गायब हो जाएगी, जैसे कि रैम। नेक्स्ट है कैचे एंड मेन मेमोरी विल नॉट बी एबल टू होल्ड देयर कंटेंट व्हेन द पावर इज ऑफ। कैचे और जो मेन मेमोरी होती है वे अपना जो कंटेंट है, जो डाटा है, वो होल्ड करके नहीं रख सकती अगर जो पावर चली गई तो ये होती है वोलेटाइल मेमोरी। कैचे भी जो है वो एक तरीके की वोलेटाइल मेमोरी होती है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एक्सेस मोड, तो ये जो रैंडम जो है वो एक एक्सेस मोड नहीं होता है। अब एक्सेस मोड होता क्या है, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम क्या क्या काम कर सकता है, क्या क्या चीजें कर सकता है, वो आपके एक्सेस मोड के अंदर आते हैं। जैसे कि आपका राइट कर सकता है, रीड कर सकता है, एडिशन कर सकता है किसी भी वर्ड का लास्ट में, और भी बहुत सारी चीज होती है, ठीक है। क्वेश्चन, डैश मेमोरी इन ए कंप्यूटर इज वेयर इंफॉर्मेशन इज टेम्पोरली स्टोर्ड वाइल इट इज बीइंग एक्सेस्ड और वर्क ऑन बाय द प्रोसेसर, तो ये होती है रैम। रैम का काम क्या होता है, आप जो काम कर रहे हो टेम्पोरली स्टोर करती है वो आपके डाटा को जब तक आप उस पर काम कर रहे हो, ठीक है। स्टोरेज डेट रिटेन इट्स डाटा आफ्टर द पावर इज टर्न ऑफ इज रेफर टू एज नॉन वोलेटाइल स्टोरेज। अगर जो बिजली चली भी गई तो इसके स्टोरेज पे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा रोम। विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरी चिप इज फास्टर, तो एस रैम जो है वो सबसे ज्यादा फास्टर होती है। वट इज कॉल्ड द परमानेंट मेमोरी बुल्ट इंटू योअर कंप्यूटर, तो ये होती है रोम, जो है वो एक परमानेंट मेमोरी होती है। परमानेंट इंस्ट्रक्शन डेट द कंप्यूटर यूज व्हेन इट इज टर्न ऑन एंड डेट कैन नॉट बी चेंज्ड बाय अदर इंस्ट्रक्शन एंड कंटेन इन, तो ये रोम में कंटेन होता है। जो भी हमारा परमानेंट डाटा होता है ना, वो रोम के अंदर कंटेन होता है ज्यादातर, ठीक है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग कंप्यूटर मेमोरी इज कैरेक्टराइज बाय लो कॉस्ट पर बाइट स्टोरेज, तो ये होती है सेकेंडरी मेमोरी जो होती है उसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है, लो कॉस्ट पर बाइट स्टोरेज वो प्रोवाइड करती है। सेकेंडरी स्टोरेज क्या नहीं करती, मतलब डज नॉट रिक्वायर कॉन्स्टेंट पावर, सेकेंडरी स्टोरेज को कॉन्स्टेंट पावर नहीं चाहिए। सेकेंडरी स्टोरेज का जो एग्जाम्पल हो जाएगा वो हो जाएगा रोम। नेक्स्ट है द सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस कैन ओनली स्टोर डाटा बट दे कैन नॉट परफॉर्म अर्थमेटिकल ऑपरेशन, लॉजिकल ऑपरेशन और फेच ऑपरेशन। सेकेंडरी स्टोरेज ये तीन काम नहीं कर सकती है, ठीक है। तो आज के लिए ये 25 क्वेश्चन हो गए यहाँ पे खत्म। अब अगली वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट 25 क्वेश्चन के साथ।